आपका स्वागत है। तो हम लोग आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो हम सीख रहे हैं फोटोशॉप। तो फोटोशॉप के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कुछ और डिफरेंट पैटर्न डिजाइन। तो हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर। तो हम सीख रहे हैं चेक्स डिजाइन। तो चेक्स प्रिंट कैसे बनती है, हमने सीखी थी स्ट्राइप। स्ट्राइप के बाद में रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर्स हो गए, इस तरीके से हम अलग अलग सीखी। तो इसी में चेक्स किस तरीके से बनाई जाती है, तो इसमें बहुत अलग अलग सिंपल तरीके की चेक्स डिजाइन है। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये वाली एक चेक्स डिजाइन आ रही है, इसमें और भी चेक पैटर्न्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। तो पैटर्न्स बनाए कैसे जाते हैं, तो ये हम सीखने वाले हैं आज। तो जैसे ये वाला एक पैटर्न है, ये कैसे बनाना है हमें, तो हम आ जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। पहले न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद में हम यहाँ से टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद हमें कलर लेना है, जो भी कलर हमारा आइडिया इमेज होगी उसके हिसाब से। तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, तो हम ब्लैक एंड व्हाइट लेंगे। तो व्हाइट कलर का हमारे पास बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर का हम लोगों को रेक्टेंगल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल ही बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमने ब्लैक कलर ले लिया, सॉलिड कलर। तो ये हमने यहाँ से सॉलिड ब्लैक कलर ले लिया। लेने के बाद हमको एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम एक स्क्वायर बना लेंगे। अब स्क्वायर जब भी बनाते हैं तो हमको चेक करना है क्लिक को छोड़ने से पहले, कि यहाँ पे देखिए विड्थ और हाइट लिखी हुई आ रही है। जैसे मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है ब्लैक कलर का, उसमें विड्थ और हाइट लिखी आ रही है, तो वो इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल साइज का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फिट टू फ्रेम साइज का बना देंगे, बिल्कुल बड़ी साइज का, ठीक है, जितना हमारा कैनवास है। इतना बनाने के बाद हमने जैसे ही छोड़ा, तो हमने ये साइज का एक बॉक्स बना दिया। अब ये साइज का बॉक्स बनाए, अब हमें क्या बनाना है, इसमें चार बॉक्सेस बनाने हैं। जिसमें अब ये वाला जो पैटर्न दिया हुआ है, इसमें भी देखिए रिपीट पैटर्न है। तो इसमें फर्स्ट ये ब्लैक आ रहा है, फिर सेकेंड व्हाइट आ रहा है, इन दोनों के जस्ट नीचे एक व्हाइट आ रहा है, फिर ब्लैक आ रहा है, तो अपोजिट फ्लिप होके आ रहे हैं। तो ये कलर कैसे हमको सेट करके ऐसा पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए पहले हमने एक ये बॉक्स बना दिया फिट टू फ्रेम। फिर इसको करेंगे हम कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने के बाद ऊपर हमारे पास आएगी विड्थ और हाइट 100%। तो हम इसको मर्ज करेंगे विड्थ और हाइट को, और इसको 100 की जगह कर देंगे हम 50%, ताकि जितनी कैनवास की हमारी साइज थी, कैनवास एरिया जितना है, उसका 50% साइज का हमने बॉक्स बना दिया, मतलब आधा। तो अभी इस बॉक्स को हम यूज करेंगे पैटर्न बनाने के लिए। जैसे हमने ये बना लिया, उसके बाद हम कंट्रोल टी करके इसको सिर्फ प्लेस करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर। ये मैंने कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेस कर दिया, इस कॉर्नर पे किया एक मैंने प्लेस, एंटर कर दिया। फिर हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, रेक्टेंगल वन जो है उसका, तो कंट्रोल जे करेंगे, तो ये कॉपी बन गई इसकी। और कंट्रोल टी करके इसको हम यहाँ पे ले लेंगे अपोजिट कॉर्नर पे और एंटर कर देंगे। तो देखिए ये हमारा ये पैटर्न बन गया। पैटर्न बनने के बाद आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे, कहीं भी लाइन के बाहर वाइट एरिया ना रह गया। तो हम इधर कॉर्नर पे आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए हमारा थोड़ा सा वाइट एरिया रह गया है। तो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं गया, तो इसको कंट्रोल टी करके हम थोड़ा सा इसको बाहर कर लेंगे और कॉर्नर पे सेट कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए कॉर्नर बॉटम और आपका लेफ्ट दोनों साइड पे बिल्कुल मैच हो गया है, और ऐसे ही आपका इधर लेफ्ट और बॉटम दोनों पे मैच हो रहा है, यहाँ पे व्हाइट लाइन नहीं आ रही है। तो ये हमने पूरा एक पैटर्न ये रेडी कर दिया। अब इसमें देखिए फर्स्ट ब्लैक है, सेकंड व्हाइट है, तो हमारा यहाँ पैटर्न में फर्स्ट ब्लैक आ रहा है, सेकंड व्हाइट आ रहा है, तो हमने ये दो कर दिए। अब नीचे ये फर्स्ट व्हाइट आ रहा है, सेकंड ब्लैक आ रहा है, तो हमने इसका भी नीचे क्या किया है, ये व्हाइट और ये ब्लैक कर दिया है। तो हमने ये एक बॉक्स बना दिया है। ये बनाने के बाद हम इसे डिफाइंड पैटर्न में सेव करेंगे, तो रिपीटेड पैटर्न हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं, एडिट पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, और यहाँ से हम नीचे से जाके और पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे। जैसे पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली लाल से पैटर्न सेलेक्ट थे, अभी जो सेव किया डिफाइन पैटर्न वो यहाँ आ गया है। अब इसका स्केल है, उसको हम कम करके देखेंगे। देखिए 100 किया तो 99 करने पे ये थोड़ा छोटा हो गया, तो इसको रीचेक कर सकते हैं कि हमारा सही से बनाया नहीं बनाया। तो आप पहले इसको 99 करेंगे 100 से हमेशा, और उसके बाद इसको कंट्रोल प्लस से करके और जूम करके देखेंगे। तो कंट्रोल प्लस से जूम जब हम करेंगे, तो देखिए ये अच्छे से मैच हो रहा है यहाँ पे सही जगह पे, और यहाँ पे भी मैच हो रहा है। तो ये प्रॉपर हमारा सही सीमलेस पैटर्न बन गया, ये यहाँ पे भी मैच हो रहा है। तो सारे बॉक्सेस प्रॉपरली हमारे मैच हो रहे हैं। तो उसको रीचेकिंग करेंगे पहले हम, उसको पैटर्न में सेव करने से पहले। तो हमने रीचेकिंग कर लिया 100 से 99 करके, अब हम इसको 50 करेंगे, तो देखिए ये पैटर्न हमारा जैसा पैटर्न इधर आ रहा था, ऐसा हमने पैटर्न क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। अब सीमलेस पैटर्न जैसे हमने अभी, मैं फिर से इसको कैंसिल करता हूँ, अभी हमने ये एक्चुअल पैटर्न बनाया था,
ठीक है। लेकिन इस पैटर्न को जब हम कन्वर्ट करते हैं डिफाइंड पैटर्न में और उसके बाद भी उसको जब सेव करते हैं, तब भी हम सेव करें तब वो डिफाइंड पैटर्न ही होना चाहिए, तो डिफाइंड पैटर्न बन के मिलना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। अभी हम वापस से ऐसे पैटर्न में गए, पैटर्न में जाके आपने जब इसका जो रेशो है स्केल उसको 50 किया, 50 करके ओके किया, तो ये जो बना हुआ है ये भी सीमलेस पैटर्न है। 100 से 50 करेंगे आप, 25 करेंगे और 10 करेंगे, तो ये जो एक फिक्स रेशो है ये फिक्स रेशो में जाके जब भी आप इस प्रिंट फाइल को सेवेज करते हैं पीएनजी में, और पीएनजी में सेवेज करने के बाद वापस से अगर फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो ऐसा खुलेगा। ऐसा खुलने के बाद फिर से अगर आप डिफाइन पैटर्न में जाते हैं, यहाँ पे मैंने डिफाइन पैटर्न किया, ओके किया, इस वाले पैटर्न को ऑफ कर देता हूँ, एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे फिर से पैटर्न लेता हूँ। तो अब हमारे पास कौन सा डिफाइन पैटर्न में आ गया है यहाँ पे, देखिए पहले हमने ये वाला पैटर्न सेव किया था, अभी ये वाला सेव कर लिया, छोटा जो साइज हमने 50 किया था। अब इसको जब हम वापस 99 करते हैं तब आप इसको जूम करके चेक करोगे तब भी ये सिंगलेस पैटर्न ही रहेगा, तो इसमें क्या मिस्टेक नहीं होगी। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है कि कोई भी पैटर्न आप क्रिएट करते हैं, जैसे हमने ये वाला पैटर्न क्रिएट किया था, इसको जब आप डिफाइंड पैटर्न में सेव करेंगे उसके बाद जब आप इसको वापस पैटर्न क्रिएट करेंगे तो 100% होगा ये। इस 100 को आपको रेशो में क्या रखना है, हमेशा स्केल 50 या फिर 25 या फिर 10, आपको यही रेशो में सेव करने हैं पैटर्न में, डिफाइंड पैटर्न में जाने के बाद पैटर्न में कन्वर्ट करने के बाद। इसके अलावा कोई भी रेशो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। 25 रखा हमने, ठीक है, या हमने सबसे पहले 50 रखा था, 50 देखते हैं, 50 रखा, 50 की जगह पे मैं 49 कर देता हूँ, तो 49 में क्या हो गया, थोड़ा सा एरिया ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब मैं इसको 49 ओके करता हूँ, अब मैं इस 49 वाले को डिफाइन पैटर्न करता हूँ, ओके किया, वापस एक न्यू लेयर हमने क्रिएट कर रखी है, और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं इसको पैटर्न में करते हैं। अब मैंने 49% वाले को यहाँ पे सेव किया है तीसरे इसमें डिफाइन पैटर्न में। अब इसको जब मैं है ना 99 करूँगा तो यहाँ पे तो सही आ रहा है, लेकिन आप इसको जब छोटा करेंगे और, ठीक है, तो ये बॉक्स का जो स्क्वायर है और ये बॉक्स का स्क्वायर है इसमें फर्क हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, ये एक्स्ट्रा एरिया जो हमारे पास 100 करने के बाद ये एक्स्ट्रा एरिया जो आ रहा था इतना, ये एक्स्ट्रा एरिया और इस बॉक्स जो स्क्वायर में आ रहा है इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो ये मिसमैच होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हम कोई भी पैटर्न क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि पैटर्न जब हम डिफाइन पैटर्न में सेव करेंगे तब हमें उसे पैटर्न में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें तीन ही रेशो में हमें कन्वर्ट करना है। 100 हमारा एक्चुअल था, तो आप 50% पे सेव कर सकते हैं उसको, या फिर 25 पे कर सकते हैं, या 10 पे कर सकते हैं। तो आप आपकी नोटबुक में नोट करके रखें कि आप जब भी डिफाइन पैटर्न करने के बाद पैटर्न फील के अंदर जाएंगे तो आपको सिर्फ तीन ही रेशो इसमें लेने हैं, स्केल जो है वो 10%, 25% और 50%, इसी में सेव करके फाइल को आपको पीएनजी में सेव करना है। तो जैसे मैंने इसको ओके कर दिया 10% में, अब मैं सेवेज करूंगा, सेवेज करके पीएनजी फॉर्मेट करके फाइल का नाम चेंज कर दूंगा, फिर सेव करूंगा, तो ये सेव की हुई फाइल हमेशा सीमलेस में ही रहेगी, ये कभी भी नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये तीनों रेशो को कंटिन्यू करके चलना है। तो हम और दूसरा इसी में पैटर्न बना के देखते हैं और, तो मैं और अभी हमने सीखा था इसका चेक्स पैटर्न, तो इसमें चेक्स पैटर्न में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न आते हैं, जैसे ये हमारे आ रहे कलर में बॉक्सेस में, ठीक है, और एक इस तरीके का पैटर्न है इसमें, देखिए आप इसमें तीन कलर्स आ रहे हैं, अभी तीन कलर्स आ कहाँ से रहे वो हम देखेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इसको और इधर ले लेता हूँ फोटोशॉप में पेस्ट करके, और हम इसमें से ये वाला पैटर्न बनाने वाले, फर्स्ट वाला जो पैटर्न है, तो मैं इसको सिलेक्शन से यही वाला पैटर्न को अलग कर लेता हूँ। तो ये हमने एक पैटर्न ले लिया, अब हमको यही पैटर्न बनाना है सेम, ठीक है, लेकिन कलर थोड़ा सा फ्लिप कर लेंगे इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको सेम नहीं बनाना है, सिमिलर बनाना है, तो इसमें हम कलर चेंज कर लेंगे। तो पहले मैं सॉलिड कलर ले रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में ये वाला लाइट कलर है, तो उसकी जगह पे मैं डार्क कलर को बैकग्राउंड कलर में ले रहा हूँ, तो मैंने डार्क कलर यहाँ पे ले लिया, ओके कर लिया, ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर। अब दो कलर लेने हैं हमको इसमें टेक्स्ट बनाने के लिए, तो पहले सेम बनाते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि हम एग्जैक्ट बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। तो सेम के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर ये ले लिया, अब हमें क्या बनाना है, टेक्स्ट बनाना है इस तरीके का। तो ये टेक्स्ट बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम ही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि ये पैटर्न कैसे बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये चार बॉक्स बनाएंगे,
ये चार बॉक्स बनाने से क्या होगा, हमारा पूरा पैटर्न बन के क्रिएट हो जाएगा। तो हमें वही चीज फॉलो करनी है कोई भी पैटर्न बनाने के लिए, तो उस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो हम इसको बना लेते हैं, ये वाला पैटर्न बनाने के लिए तो कलर पिक कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लेंगे रेक्टेंगल टूल, स्क्रीन कंट्रोल 0 से हम लोग फिट टू फ्रेम कर लेंगे। उसके बाद हम पहला हमारा रेक्टेंगल लेंगे, तो उसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं। हम ये डार्क कलर का रेक्टेंगल लेंगे, तो डार्क कलर का रेक्टेंगल लेने के लिए न्यू लेयर ले लिया हमने। अब हमें 50% के ही बॉक्स होने चाहिए सारे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी फिट टू फ्रेम साइज में हमें स्क्वायर शेप का बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हमने इसकी फिट टू फ्रेम साइज में एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया, ये स्क्वायर बॉक्स बना के छोड़ा हमने, ये बॉक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको 50% बॉक्स साइज बनानी है। तो कंट्रोल टी करेंगे इसको और मर्ज करेंगे विड्थ और हाइट को ऊपर से, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे 50। 50 करने के बाद इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिल्कुल कॉर्नर पे सेट कर देंगे और इसको कर देंगे प्लेस। तो हमारा फर्स्ट बॉक्स आ गया इसमें से। अब सेकंड बॉक्स लेना है हमको ये कलर का, तो हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल से। हमारी रेक्टेंगल को डुप्लीकेट कर लिया, कंट्रोल टी करके हम इसको लेके आएंगे इस साइड पे और यहाँ पे लाके हम इसको ड्रॉप कर देंगे। अब ड्रॉप करने के बाद फर्स्ट तो हमारा ये वाला हो गया, सेकेंड वाला कलर ये चाहिए, तो सेकेंड वाला रेक्टेंगल है इसका कलर हम पिक करके चेंज करेंगे। तो यहाँ से मैंने सेकंड का कलर ये कॉपी लेके पिक करके और ओके कर दिया, तो सेकंड कलर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो ये वाला कलर आ रहा है फोर्थ नंबर के बॉक्स में, लेकिन थर्ड वाले में, सेकंड वाले के अंदर जो कलर है वो ही थर्ड वाले बॉक्स में। तो हम वापस से इसका डुप्लीकेट करेंगे सेकेंड जो रेक्टेंगल था, कंट्रोल टी करके, और ये जो डार्क येलो है इसके नीचे लेके आएंगे और इसको मैच कर देंगे यहाँ पे और एंटर कर देंगे। तो हमने ये एंटर किया, एंटर करने पे हमारा ये पैटर्न बन के रेडी हो गया। तो हमने क्या बनाया, एक डार्क कलर का, सेकेंड वाला बॉक्स लाइट कलर का, थर्ड वाला भी सेम लाइट कलर का, और फोर्थ वाला सबसे लाइट। तो यही सीक्वेंस हमारी जो पैटर्न डिजाइन ये वाली जो बनी है, जो हमने अभी आइडिया इमेज ली है, उसके अंदर आप देखेंगे तो मैं बॉक्स बनाता हूँ। फर्स्ट वाला जो आ रहा है वो डार्क कलर का, सेकेंड वाला बॉक्स आ रहा है वो येल्लो का लाइट, थर्ड वाला जो बॉक्स आ रहा है ये भी ऐसे लाइट आ रहा है सेम कलर, और फोर्थ वाला जो आ रहा है वो सबसे लाइट कलर। तो हमने ये चार कलर के जो बॉक्स है ये बॉक्सेस को क्रिएट किया है। अब ये क्रिएट करने के बाद में हमें क्या करना है, हमारी जो आइडिया इमेज थी उसे ऑफ करना है, और फिर हमें इसे क्या करना है, डिफाइन पैटर्न में सेव करना है। लेकिन डिफाइन पैटर्न में कभी भी हम सेव करते हैं उससे पहले हमें हमारी जो प्रिंट बनाई है इसे रीचेक करना है। तो हमेशा कंट्रोल प्लस से इसे जूम करेंगे, जूम करने के बाद में हम इस तरफ आएंगे पहले कॉर्नर पे कि कहीं पे हमारा बेस कलर कौन सा है, ये वाला कलर सबसे लाइट वाला, तो ये कलर कहीं कॉर्नर पे दूसरे बॉक्सेस के कॉर्नर पे दिख तो नहीं रहा है, इसे हम पहले अच्छे से चेक करेंगे। कंट्रोल प्लस से हम जितना भी जूम करना चाहते हैं उतना जूम कर सकते हैं। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ अच्छे से, ये यहाँ से भी चेक कर लिया है, इस वाले बॉक्स को भी मैंने यहाँ पे राइट से चेक कर लिया है, लेफ्ट से सॉरी, और बॉटम से भी चेक कर लिया है। अब आएंगे हम सेंटर पे, सेंटर पे आके सारे बॉक्सेस सही से मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये देखेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, येलो वाला बॉक्स और जो लाइट क्रीम है ये दोनों की लाइन से मैच होना चाहिए डार्क येलो से, ये वाला, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स कि हमने मिस्टेक की है। तो हमारा जो नीचे वाला ये बॉक्स है इसकी लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करके इसको मैच करेंगे यहाँ पे इक्वली, ये अब यहाँ पे मैच हो गया, बिल्कुल लाइन जो है वो सीधी आ रही है ऊपर डार्क येलो की और लाइट येलो, इसको मैच कर लिया। अब कॉर्नर पे जाके देखेंगे हमारी व्हाइट लाइन तो नहीं आ गई इधर, तो हम इधर आए, ये देखिए यहाँ पे व्हाइट लाइन नहीं आ रही, मतलब कि हमने क्या किया था कि ये जो बॉक्स है हमारा इसको हमने थोड़ा सा बाहर कर दिया था, बाहर करके एंटर कर दिया, इस वजह से क्या मिस्टेक हो गई कि हमारी जो सेंटर लाइन आ रही है ऊपर डार्क येलो का बॉक्स है और नीचे लाइट येलो का, ये दोनों मैच नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये मैच हो रहा है। तो हम हमारी जो भी डिजाइन है उसकी पहले क्वालिटी चेक कर लेंगे कहीं से हमने कोई मिस्टेक तो नहीं छोड़ दी। ये चेक करने के बाद में हम जाएंगे एडिट, डिफाइन पैटर्न, ओके करेंगे, फिर सबसे टॉप जो लेयर है वहां पे हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एफएक्स सॉरी, यहाँ पे हम जाएंगे यहाँ पे लेयर पे और यहाँ से पैटर्न पे क्लिक करेंगे। अब पैटर्न पे हमारी लास्ट जो भी लेयर है जो डिफाइन पैटर्न करके सेव की थी वो आ गई। अब इसको हम वापस 100 से 99 करेंगे और जूम करके चेक करेंगे कि 99 करने पे भी यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे इक्वली सही आ रही है लाइन बिल्कुल, और बॉटम पे भी हम जाके देखेंगे नीचे तो यहाँ पे भी ये बॉक्स की लाइन जो है वो बिल्कुल सही आ रही है, और जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको कि
यहाँ जो येलो ही खत्म हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल मैच होके सही से लाइन आ रही है। ऐसे ही बॉटम के सेंटर भी देख लेंगे, यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही से आ रहा है। तो हम पहले हमारी दो तरीके से इसकी क्वालिटी चेक करेंगे। पहले हम इसको डिजाइन जो बनाएंगे, चार बॉक्सेस बनाए इसके कॉर्नर्स और सेंटर पार्ट को देख के कि परफेक्टली ये मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे सब जगह से, फर्स्ट क्वालिटी चेक वो होगी। सेकेंड डिफाइन पैटर्न में डालने के बाद जब हम यहाँ पे पैटर्न में आएंगे तब 100 से इसको 99 स्केल करेंगे। 99 स्केल करने के बाद में रीचेक करेंगे। ये दो तरीके से क्वालिटी चेक करने थे। कभी भी हमारी जो भी डिजाइन बनाई है उसमें हमने कोई मिस्टेक की है तो हमें यहीं पे ट्रैक हो जाएगी कि हमने मिस्टेक की और उसको हम सही कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों स्टेप छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम जो भी डिजाइन बनाते हैं उसमें ज्यादातर डिजाइन में बहुत सारी मिस्टेक हो। तो हमने ये चेक कर लिया, ये सही है। अब हम इसको किन रेशो में, तीन रेशो में चेंज कर सकते हैं इस पैटर्न को बनाने के बाद। एक तो 100 से 50 में, तो 50 में करेंगे तो देखिए ये पैटर्न अभी बड़ा आ रहा है, हमारा जो पैटर्न बना हुआ आ रहा है तो हम इसको कर देंगे 25 में। इसको 25 करेंगे तो देखिए इस तरीके का जो ये पैटर्न बना हुआ है, इस तरीके का हमने सेम पैटर्न बना के और रेडी कर लिया। तो पैटर्न तो हमने बना लिया सेम, अब हमें सेम पैटर्न तो चाहिए नहीं, हमें इसमें कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ बैकग्राउंड पे मैं कलर डाल रहा हूँ, ये वाला डार्क, इसका भी मैं थोड़ा सा और डार्क कलर ले लूंगा ऐसे कलर पिकर से, ठीक है। और ये वाला जो बॉक्स है हमारा फर्स्ट वाला, इसका जो कलर है इसका कलर मेरे को चेंज करना है तो रेक्टेंगल पे जाके यहाँ से मैं इसका कलर पिक करके ये कलर ले लेता हूँ और इसका भी मैं ले लेता हूँ और लाइट कलर। तो मैंने इसका और लाइट कलर ले लिया यहाँ पे। अब ऊपर के जो दो सेम है, ये वाला एक बॉक्स और सेकेंड ये वाला बॉक्स, इन दोनों के सेम कलर दिए, तो मैं दोनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और दोनों का कलर एक साथ चेंज कर दूंगा। तो मैंने इसका कलर थोड़ा और डिफरेंट करके और कोई कलर दे देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा ये डिफरेंट दिखे। तो मैं इसका थोड़ा सा डिफरेंट करके ये वाला कलर दे देता हूँ। ये कलर देने के बाद से मैं इसको कर देता हूँ डिफाइन पैटर्न में सेव। डिफाइन पैटर्न किया, ओके किया, फिर हम एक और न्यू लेयर क्रिएट करके फिर से हम यहाँ से पैटर्न बना लेंगे। तो ये पैटर्न बनाया, ये 100 से मैंने इसको 99 करके फिर से देख लिया, सही आ रहा है हमारा पैटर्न। अब इसको मैं 25 करता हूँ, तो एक 25 करके मैंने एक नया पैटर्न बना लिया। अब मैंने क्या किया, ये पैटर्न तो है लेकिन मैंने इसमें थोड़े अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए ताकि कलर चेंज हो गया है, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट कलर की डिजाइन बन गई। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर की चेक पैटर्न बना सकते हैं। अभी हमने बनाए हैं ये स्क्वायर बॉक्सेस लेके चेक पैटर्न बनाए। नेक्स्ट इसी क्लासेस के अंदर हम कंटिन्यू सीखेंगे कि हम स्ट्राइप से चेक्स पैटर्न कैसे बना सकते हैं। तो हम आगे सीखने वाले स्ट्राइप से चेक्स पैटर्न बनाना। तो ये क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई है, इसके अंदर हमने सीखा है स्क्वायर से चेक्स पैटर्न बनाना। किसी भी एक सैंपल आइडिया इमेज को हमने लिया है, इस सैंपल आइडिया इमेज से हमने स्क्वायर पैटर्न की मदद से ये पैटर्न को बनाया है। थैंक यू।